नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आप सोच रहे होंगे अमूमन बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है और आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्यों? आपको बता दें, जनता टीवी के लिए आपके सरोकार, आपकी प्राथमिकताएं पहले आती हैं। छात्रों का भविष्य धर्म लटका हुआ। इस रविवार 12 फरवरी को पटवारी की परीक्षाएं होनी है। तो वही प्रदेश भर में युवाओं का प्रदर्शन जारी है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इस बार धांधली नहीं होगी। युवाओं ने अधिकारियों से वार्ता के दौरान अपनी कई बातों को साझा किया। युवा बोले, केवल चंद परीक्षाओं में ही धांधली हुई है, ये बात हमारे गले की फांस है, उतर नहीं रही है। इसके पहले और इसके बाद होने वाली परीक्षाओं की जांच कराई जाए। सवाल उठाए कि क्या गारंटी है कि इस दरमियान हुई अन्य परीक्षाओं में धांधली नहीं हुई है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल युवाओं ने कहा कि पटवारी परीक्षा के प्रश्नों का पूरा सेट लीक किया गया था और क्या गारंटी है कि आगे लीक नहीं होगी। चार तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, देहरादून, हल्द्वानी, बागेश्वर, रामनगर। पेपर लीक और भर्तियों में धांधली के विरोध में बेरोजगार युवाओं का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। प्रदेश भर के युवाओं ने देहरादून में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और बेरोजगारों की जमकर कहासुनी हुई, नोकझोंक हुई, जो बाद में विवाद तक में तब्दील हो गई। पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया, तो वहीं अब बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज पर सियासत आई है। आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धामी सरकार का पुतला तक फूंका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासत आई है। बीजेपी ने इस बवाल के पीछे कांग्रेस को वजह बताया। बीजेपी का कहना, कांग्रेस युवाओं को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटी सेक रहा है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान का कहना है कि जिस तरीके से कल घटनाएं हुई हैं, हमारे प्रदेश का युवा ऐसी घटनाओं को अंजाम कतई नहीं दे सकता। बीजेपी ने घटना को विपक्ष का षड्यंत्र करार दिया है। बीजेपी ने युवाओं से अपील की है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा बनाए रखें। कांग्रेस हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मोहरा बना करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, और जिस प्रकार से हमारा ये जो प्रदेश है, शांत प्रिय प्रदेश है, हमारे यहाँ के युवा कभी ऐसी घटनाएं जो कल घटना हुई, ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड का युवा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं बाहर से आए अराजक तत्व तो, और विपक्ष का ये षड्यंत्र है जिस प्रकार से जो किया गया। और ये तो थे प्रवक्ता, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद क्या सोच रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार परीक्षार्थियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। सीएम धामी ने कहा, जैसे ही राज्य सरकार को भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का पता चला, वैसे ही हमने भर्ती परीक्षाओं को दोबारा करने का निर्णय लिया ताकि छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो सके। इसके साथ ही परीक्षा में लगने वाले शुल्क को राज्य सरकार ने माफ किया है। उन्होंने कहा, परीक्षा के दिन सभी परीक्षार्थियों को रोडवेज की बसों का मुफ्त सफर कराया गया, इस बात के सरकार ने आदेश दिए। सीएम धामी ने कहा, हमारी सरकार पूरी तरीके से छात्र छात्राओं के साथ है और हम सभी से निवेदन करते हैं कि प्रदर्शन छोड़िए, परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, अपने भविष्य पर ध्यान दीजिए। बात हम शुरू से ही कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुके हैं, देश भर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी, अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से आए हैं, निश्चित रूप से हम उनके बारे में हमारा प्रशासन देखेगा कि ये कौन लोग हैं। तो ये बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। बड़ी खबर है, प्रदर्शन के दौरान हरदा की तबीयत नासाज हो गई। पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस में लिटाया है हरदा को। पूर्व मुख्यमंत्री का प्राथमिक उपचार जारी है। कांग्रेसी नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और इसी प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें सामने आई। हरदा की तबीयत खराब हो गई, तबीयत नासाज हो गई। उनको एम्बुलेंस कर्मी, कार्यकर्ता और पुलिस वालों ने एम्बुलेंस में लिटाया है। बड़ी खबर है, हम जानकारी हम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है ये,
हरदा की तबीयत खराब हो गई। कांग्रेस लगातार समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान हरदा की तबीयत खराब हुई, उनको एम्बुलेंस में लिटाया गया है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी कल फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसके बाद संज्ञान लिया गया। और जब धामी संज्ञान लेते हैं तो क्या खूब करते हैं, वो भी आपको बताते हैं। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। इसी के चलते एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाने का फैसला सरकार ने किया है। इस कानून पर अध्यादेश को मुख्यमंत्री ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके अनुमति दी है और अग्रिम कार्रवाई के लिए राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही देश का पहला सबसे सख्त कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्जाम थे, जो भी शिकायतें आई उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी। और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्जाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्जाम के शुल्क को नहीं लिया गया है। और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई, हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के। तो कैबिनेट ना होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है। और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएँ इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है। और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे, अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर नकल को लेके लगातार घटनाक्रम बढ़ रहे हैं और युवाओं में एक निराशा तो जगती है, खासकर ऐसे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको लगता है कि ये सब उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ये सब के लिए पारदर्शिता हो, हालांकि गंभीरता तो पहले भी रही होगी, लेकिन इतना कड़ा कानून, माने धामी जी जो इस मामले बहुत ही गंभीर है। आप देखिए, जो भी प्रकरण आता है पहले कड़ी कार्रवाई होती है और उसके बाद जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए कैसे हम उनको भरोसा दे सकें, एक नकल अध्यादेश जिसे हम उसका चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। नवीन शुक्ला ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून युवाओं को उपलब्ध कराएंगे और उनका विश्वास जीतने का काम सरकार करेगी। जी पूजा, निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार सबसे पहले तो युवाओं के साथ में खड़ी है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो भी ये नकल की जो प्रोसेस हो रही थी, जो नकल माफिया थे, उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विशेष अधिकार से जो नकल विरोधी कानून है और महामहिम राज्यपाल को सौंपा है, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात है, अगर यह नकल विरोधी कानून लागू हो जाता है तो यह मील का पत्थर साबित होगा। और सरकार की तरफ से इसकी पहल भी कर दी गई है, उत्तराखंड पहला राज्य भी होने का जिसमें नकल विरोधी कानून का प्रावधान होगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर युवाओं को एक संदेश जरूर दिया है कि जो भी युवा है अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह विशेष रूप से अपनी प्रतियोगिता और परीक्षा पर ध्यान दें, लोगों के बहकावे में ना आए। क्योंकि जो कई राजनीतिक संगठन हैं जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर युवाओं को यह संदेश में साफ तौर पर यह कहा है कि युवा अपनी परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी करें और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वह प्रदर्शन में ना आए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जरूर एक संदेश युवाओं के लिए रहा है। एक विषय में और समझना चाहूंगी। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी जो पावर्स है उनका प्रयोग करते हुए तो जरूर बोल दिया है कि नकल रोधी कानून आएगा, लेकिन इस कानून के आने में अभी कितना और समय लग सकता है युवाओं को? हाँ, थोड़ी हद तक तो सांत्वना जरूर हुई है उनके इस फैसले के बाद। जी पूजा, निश्चित तौर पर अगर कानून की बात की जाए तो ये कानून जल्द
से जल्द लागू किया जाएगा, क्योंकि लगातार यह शिकायतें आ रही थी कि तमाम सारी जो परीक्षाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पाई गई थी, लेकिन अब इसको लेकर अब मुख्यमंत्री खुद सख्त रूप अपनाए हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आप खुद ही अपने विशेषाधिकार से इसकी पैरवी की है और उन्हें राज्यपाल को या राज्यपाल तक बात पहुंचाई है, तो कहीं ना कहीं जल्द ही सख्त कानून आने की संभावना है। इसके साथ ही अगर बात करी जाए, प्रदेश सरकार लगातार युवाओं के हित में खड़ी हुई है और इसके साथ ही जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, अगर पटवारी परीक्षा की बात की जाए तो साफ तौर पर सरकार ने युवाओं को एक सबसे बड़ा संदेश देने का काम किया है कि जो युवा चाहे बाहरी राज्य से आएंगे या फिर उत्तराखंड के राज्यों से आएंगे, उनको जो निःशुल्क बस की सेवा दी जाएगी, वो अपने गंतव्य तक आराम से जा सकेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके साथ ही जो भी जो परीक्षाएं और देखने वाली बात अभी होगी कि आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले के बाद छात्रों के जख्मों पर किस हद तक मरहम लग पाता है। बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो नवीन जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से युवाओं ने दो दिनों से प्रदर्शन जारी किया हुआ था और इस प्रदर्शन के बाद उनको सीएम पुष्कर सिंह धामी का आश्वासन। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र उत्तर प्रदेश का भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आप सब ने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी चुना है, बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है, यहां के लोगों के प्रति विशेष जिम्मेदारी है। मैं आप सभी का इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में स्वागत करता हूं। साथियों, एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। ये जो समय है इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्ध निहित है। भारत के उज्जवल भविष्य में दुनिया के उज्जवल भविष्य की गारंटी पड़ी है। समृद्धि की इस यात्रा में आप सबकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये निवेश सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आए हुए देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज
उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए भारत की लगातार बढ़ती साख में हमारी बिजनेस कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। देरियों व सज्जनों, यह महत्वपूर्ण बात है कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डोमेस्टिक एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी भारत को भरोसे की निगाह से देख रही है। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश के नागरिकों में देश के नेतृत्व पर, देश की संभावनाओं और क्षमता पर एक नया भरोसा पैदा हुआ है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर जिलों में भी जनपदीय निवेश कुंभ का आयोजन किया गया। इस निवेश कुंभ में सैकड़ों की तादाद में निवेशकों ने हिस्सा लिया। निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए पैदा हुए नए माहौल पर योगी सरकार की खुलकर प्रशंसा की। साथ ही इस मौके पर लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सीधा प्रसारण भी जनपदीय क्षेत्रों में किया गया था। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें दिखाएंगे। भदोही, बाराबंकी, हरदोई, प्रयागराज और आगरा की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करेंगी कि किस तरीके से आज अलग अलग क्षेत्रों में सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हुआ है और बहुत ज्यादा रुझान निवेशकों के बीच में देखने को भी मिला है। लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शुक्रवार को हजारों की तादाद में इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया है, जिनमें देश विदेश के इन्वेस्टर्स बने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का भरोसा भी दिया है। इस दौरान जनता टीवी ने इन्वेस्टमेंट लाने और इन्वेस्टमेंट करने वाले कई लोगों से बातचीत की, जिन्होंने प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, जमीन, बिजली, पानी की उपलब्धता के साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम पर भरोसा जाहिर किया। इन्वेस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए बेताब भी नजर आ रहे हैं। देखिए, आईआईए के जो चेयरमैन हैं तो अशोक अग्रवाल जी, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा इसमें समिट में क्या उम्मीद है उनको और कितना इन्वेस्टमेंट उनके थ्रू हो रहा है। अशोक जी, ऐसा जी, 3 नवंबर 2022 को हम लोगों की जब पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी उद्यमियों की, एमएसएमई के लोगों के साथ, तो उन्होंने हमें टारगेट दिया था कि 1 लाख करोड़ आपको इसमें इन्वेस्ट कराना है और आज मैं समझता हूँ कि हम लोग अपने लक्ष्य से दोगुने से ज़्यादा ऊपर पहुँच गए हैं। प्रत्येक जिले में हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट कराई है सरकार के साथ मिलकर और एमएसएमई की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में हम लोगों के द्वारा इसमें इंटेंड किए गए हैं। अरे, ऐसा क्या है कि पहले इन्वेस्टमेंट इतना नहीं लोग करने तैयार थे, इस बार जो है ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इसके पीछे क्या उम्मीद है? केवल एक ही कारण है कि पहले जब किसी का नाम आता था इंडस्ट्री के रूप में, लोग चंदा लेने और उगाही करने पहुंच जाते थे, अब लोग धन्यवाद देने जाते हैं और उसका एहसान मानने जाते हैं कि आप हमारे यहाँ आ रहे हैं और कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। यूपी के हालात में आपको अब क्या अंतर लग रहा है पहले की अपेक्षा? इससे बड़ा अंतर और क्या हो सकता है कि पहले मैं कह रहा हूँ कि लोग डरते थे अपना नाम देने में कि मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, आज लोग अपना नाम देते हैं तो लोग उसको बड़ा सम्मान से देखा जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें पता लग गया है कि उद्योग से ही इस प्रदेश का विकास होने वाला है। जब ये पहचान हो गई है तो इसी वजह से आज उद्यमी बहुत तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये थे अशोक कुमार अग्रवाल जी, जो आईआईए के प्रेसिडेंट हैं। इनका कहना कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो इनको जो टारगेट दिया गया था, इससे काफ़ी कुछ आगे लक्ष्य इन्होंने पूरा किया है और ये हर जगह जो हर जिले में जो इन्होंने इन्वेस्टर समिट करी और उसके बाद आज यहाँ पर जो है फाइनल हिस्सा, हाईटेक कंपनी की जो है CEO आए हुए हैं। तो अशोक जी बताइए कि अरुण जी कि क्या जो है आपके प्रोडक्ट है और क्या आप यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं? जैसा आपने ऑलरेडी बता रखा है कि मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, मैं फाइटेक एम्बेडेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। बेसिकली कोई भी इंडस्ट्री का अगर ग्रोथ करानी है तो आपको सबसे पहले उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलना पड़ेगा। तो हम लोग जो हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आए हैं और हम ये सिस्टम ऑन मॉड्यूल्स बनाते हैं, सॉम्स इसको कहा जाता है। इन सॉम्स को बेसिकली सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में डाला जाता है और उससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मतलब आप स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, आप मेडिकल डिवाइसेस बना सकते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो हर चीज़ का, यहाँ तक कि आने वाले समय में आपके जो टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर जो हैं वो स्मार्ट बनेंगे तो इन्हीं चिप्स के माध्यम से स्मार्ट बनेंगे। तो हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, उसको देखते हुए हम लोग इधर आए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की ग्रोथ हो। और बेसिक मैं जो हूँ उत्तर प्रदेश को ही बिलोंग करता हूँ लेकिन मैं रहता बैंगलोर में। ठीक,
तो अरुण जी थे, इनका कहना है कि जो भी बैकएंड में कंप्यूटर सिस्टम जितने भी लगेंगे, कोई भी सेक्टर हो, चाहे फार्मा हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, जितने भी सेक्टर्स में काम होगा उसके पीछे जो बैकएंड की सपोर्ट जरूरत पड़ी उसका प्रोवाइड कराएंगे, और इसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। कैमरामैन आशी के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर राजधानी लखनऊ की मेडिकल इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देश विदेश से इस समय 10,000 से ज्यादा मेहमान लखनऊ के अंदर मौजूद हैं। हाई प्रोफाइल मेहमानों के लिए SGPGI, KGMU समेत सभी बड़े सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इतना ही नहीं, कार्यस्थल के अलावा टेंट सिटी पर भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल तैयार किए गए हैं। इन अस्पतालों पर 3 दिनों के लिए शिफ्ट वाइज मेडिकल टीम ड्यूटी, एडवांस लाइफ सपोर्ट समेत 60 से ज्यादा एम्बुलेंसेस को तैनात किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुख्य कार्यक्रम में आने वालों का RT-PCR चेकअप भी होने वाला है। हमारी मोबाइल टीम से जो जाके माननीय महानुभावों के RT-PCR टेस्ट कर रही है, और जो हमारे ओपन बूथ है प्रदर्शनी स्थल के ऊपर और एयरपोर्ट के ऊपर, यहाँ भी। तो आपको पता है कि 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलग हुए राष्ट्रीय समता पार्टी के अध्यक्ष शशि प्रताप के घर पहुंचे थे। मीडिया से मुखातिब हुए इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधा, जैसा कि विपक्ष का काम है। उन्होंने कहा कि जब तक उद्योगपतियों को सस्ती बिजली, कानून व्यवस्था और संसाधन नहीं मिलेगा, तब तक कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, और सिर्फ नाम बदल देने से विकास नहीं हो जाता। बजट पेश होने वाला है, इसको लेकर क्या रहेगा उत्तर प्रदेश का बजट? मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री जी का दिल दिल्ली वालों से भी छोटा दिल है, तो इस उत्तर प्रदेश को कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये सरकार बड़े दिल वाली बन जाए, आज उद्योग कारखाने उत्तर प्रदेश में लगने लगेंगे। जिस दिन ये बिजली सस्ती देने लगेंगे, एक कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, आप पूरा उत्तर प्रदेश देख के आ जाइए, अगर एक भी इन्होंने बिजली का कारखाना लगाया हो। जितने कारखाने लगे हैं समाजवादी सरकार में लगे हैं, वही कारखाने बढ़ाए जा रहे हैं, उसी से बिजली आ रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, बिजली को महंगा कर दिया। ये कारखाना अगर चाहते हैं तो बिजली का रेट कम करें, जमीन उपलब्ध कराएं, पानी उपलब्ध कराएं। तो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है सरकार के ऊपर। अब देखना यह होगा कि निवेशकों का इंटरेस्ट कितने दिनों तक उत्तर प्रदेश में बना रहता है, और क्या उनको वो सुविधाएं पुख्ता तौर पर मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं। खैर, रहा इनिशिएटिव बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्त छोटे से ब्रेक का, इस बार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।